हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं? तो मेरा यूट्यूब पे दूसरा वीडियो है मेरा। मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, रियल देसी बॉय के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आज का नया टॉपिक, मैं पहला वीडियो बनाया उसके नीचे कुछ कमेंट आए तो मेरे को दूसरा टॉपिक मिला। तो आज का दूसरा मेरा टॉपिक है जो मेट्रो, दुबई मेट्रो कार्ड। ओके, तो आपका वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई क्या होता है, दुबई के मेट्रो में हमको अंदर जाने के लिए, मेट्रो को यूज़ करने के लिए हमको एक कार्ड होता है। ये कार्ड होता है वो, ठीक है। और ये बैक साइड से होता है, ठीक है, और ये ऐसा होता है दोनों साइड से। तो ये जब मैं आया था तो 25 दिरहम का था दुबई के। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए इंडिया कितना का होता है, तो 25 का आता है ये। और जैसे आप इंडिया, जैसे आप एयरपोर्ट पे आते हो, तो जैसे आप एयरपोर्ट से एकदम मेट्रो में आते हो, तो आप एक अपना आईडी दिखा के तो उसको ये ले सकते हो, ओनली 25 दिरहम का। क्योंकि इसके बिना, बिना मेट्रो कार्ड के तो आपको मेट्रो के अंदर एंट्री नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बस कार्ड में भी, बस में भी यही यूज़ होता है, मेट्रो एंड बस, दिस इज़ सेम। ओके, ये दोनों सेम है, बस में भी यही चलता है। और दूसरी बात, इसका रिचार्ज, जैसे आप मोबाइल में सिम में रिचार्ज कराते हैं ना, सेम ऐसा होता है इसका भी, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक मशीन ऑलरेडी लगी हुई होती है उधर मेट्रो स्टेशन में, तो ऑलरेडी ये जाके उधर रिचार्ज कराना पड़ता है। तो ठीक है, बिना इसके, बिना मेट्रो कार्ड के आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं है। क्योंकि एक उधर पंच करने के लिए, मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम, जब मैं मेट्रो के अंदर गया ऑलरेडी, लेकिन तो अंदर जाने के लिए मेरे को उसको पंच करना पड़ा, ठीक है। तो इसके बिना वो पंच नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बैलेंस रखना पड़ता है। जब मैं आया दुबई में तो 25 दिरहम का था, ठीक है, 25 दिरहम का दुबई के। अभी भी शायद इतना ही होगा, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट उस टाइम पे 25 दिरहम का था, ठीक है। तो अभी आपका शायद ये क्लियर हो गया होगा। और ओके, तो मेरे को मालूम हो गया कि आप सबको मालूम हो गया, क्योंकि मेट्रो में और बस में दोनों में बैठने के लिए कार्ड का जो, कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कार्ड के आप लोगों की एंट्री या मेरी एंट्री, कोई भी किसी की भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पंच करेंगे उसके बाद ही अंदर एंट्री होगी। एक मशीन लगी हुई है तो उसके अंदर जाएंगे तो बिना कार्ड के एंट्री नहीं होगी। तो यानी कि मेट्रो और बस में जाने के लिए इधर कार्ड जरूरी है, ठीक है। तो अभी शायद आपके टॉपिक फिन आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक फिनिश हो गया। तो भाई अगर जो ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई नई नई मेरी वीडियो आने के लिए इसको बेल आइकन को, एक सब्सक्राइब के सामने एक छोटा सा बेल आइकन होता है घंटे का, ठीक है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, घंटा बजाते हैं, तो भाई ये घंटा जरूर बजाना है इस वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस, लव यू सारे।